कर्नाटक की सियासी कहानी में जैसे जैसे मोड़ आ रहे हैं, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कुमार स्वामी की हालत उनके पिता देवगौड़ा जैसी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सब 22 साल पुराने इतिहास को याद दिला रहा है। साथ ही साथ जनता दल खेमे से निकली एक दूसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का जिक्र हो रहा है। तो एक सवाल ये भी है कि क्या कुमार स्वामी की हालत देवगौड़ा के जैसी हो जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में अभी जो हालात बने हैं, ऐसे ही स्थिति और समीकरण साल 1996 में देश की राजनीति में बने थे। 1996 में लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी 161 सीट पाकर सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया। 16 मई 1996 को वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद जब लोकसभा में बहुमत साबित करने का नंबर आया तो वो फेल हो गए। नतीजा ये हुआ कि 13 दिन में वाजपेयी की सरकार गिर गई। वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के हाथ में बाजी थी। बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके पास 140 सीट थी, जबकि तीसरे नंबर पर जनता दल था जिसके खाते में 46 सीटें थी। कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता चलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कुमार स्वामी के पिता एचडी देवगौड़ा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस तरीके से देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि देवगौड़ा की सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और करीब 10 महीने के बाद देवगौड़ा की जगह इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। सोशल मीडिया पर इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, लोग लिख रहे हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इस पर लगातार लिख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जेडीएस का साथ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। बीजेपी नेताओं ने भी इस गठबंधन को अपवित्र बताया है और कहा है कि ये जल्द ही टूट जाएंगे। ऐसे में ये भी चर्चा है कि जेडीएस कहीं बिहार की जेडीयू की तर्ज पर बीजेपी के साथ न चली जाए। आपको पता होगा कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा। हालांकि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन गठबंधन शर्त के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। गठबंधन सरकार बनते ही खटपट की खबरें आने लगी। डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और नीतीश कुमार ने इन सब बातों को आधार बनाया और आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ली। हालांकि दोनों दल का गठबंधन कोई पहली बार नहीं हुआ था। 2013 से पहले जेडीयू एनडीए का ही हिस्सा हुआ करती थी। बिहार और केंद्र की सरकार में भी दोनों दल साथ रह चुके थे। ठीक उसी तरह जेडीएस और बीजेपी का जो अतीत है, जो इतिहास है, ये दोनों दल भी साथ मिलकर कर्नाटक की सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ भविष्य में अगर जेडीएस की अनबन जैसी कोई भी स्थिति पैदा होती है तो जेडीएस जनता दल यूनाइटेड की तरह कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन कहीं थाम न ले, ये आशंका जताई जा रही है। इन आशंकाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है, लोग ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में स्थायी सरकार को लेकर हमेशा से संकट रहा है। कर्नाटक की राजनीति में के जब आप इतिहास में देखेंगे तो कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर में वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो इकलौते सीएम बने हैं वहां के। उनसे पहले 3 दशक तक कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और राज्य सरकार के स्थायित्व को उस लेकर के हमेशा एक संकट बना रहा है। 5 साल वो पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या जेडीएस और कांग्रेस की सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, क्या जेडीएस जेडीयू बन जाएगी, क्या कुमारस्वामी देवगौड़ा बन जाएंगे, ये सब कुछ आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। इस तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए एनएफएस न्यूज़।